नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। अक्सर देखा जाता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित हो जाने के बाद 2 दिन बात करने के बाद मिलने जुलने पर एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने के बाद सोचते हैं ये हमारा प्यार सच्चा है और हम इसी से विवाह करेंगे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि प्रेम विवाह बिना सोचे समझे ही निर्णय लेने पर वह प्रेम कर लेते हैं और विवाह भी कर लेते हैं, चाहे अपने माता पिता के खिलाफ जाकर करें, चाहे वह सबकी मर्जी से करें। ऐसे करने पर उन्हें बाद में पता चलता है कि उनका कुंडली ना देखकर विवाह करना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किस योग से प्रेम विवाह सफल होता है? नंबर 1, यदि आपकी राहु और केतु की दशा आपकी कुंडली में सही स्थिति पर है तो आपका विवाह संपन्न हो सकता है। कहा जाता है यदि आपका सप्तम योग पर यदि गुरु स्थित है और गुरु की स्थिति भी आपकी कुंडली में विराजमान है और सही है तो आपका विवाह संपन्न होता है। दूसरी बात करते हैं, यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है और शुक्र की स्थिति अच्छी होने पर आपका विवाह संपन्न हो सकता है, लेकिन उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में राहु केतु शनि तीनों ही विराजमान हैं तो ऐसे में प्रेम विवाह होगा तो सही, लेकिन आपके परिवार के खिलाफ जाकर, यानी कि या तो आप भाग कर शादी करने के योग में होंगे या फिर आप माता पिता से छुप कर शादी करेंगे। ऐसे विवाह ज्यादातर शुरू में या फिर एक दूसरे के साथ संभावनाएं स्वभाव देखकर एक दूसरे के साथ अच्छे से बीतते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। प्रेम विवाह की कही जाए तो लड़का और लड़की की कुंडली में यह भी देखा जाता है कि उनकी दशाएं अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में राहु यानी कि राहु और आपकी जिससे शादी होने वाली है उनकी कुंडली में केतु, इन दोनों की स्थिति अच्छी है और गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो आपके प्रेम विवाह में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपका प्रेम विवाह संभव हो सकता है जब तक कि आपकी कुंडली में स्थितियां सबकी अच्छी हैं। यदि ग्रहों की देखी जाए, जब तक कि ग्रह आपकी कुंडली में सही से विराजमान ना हो तो उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां और संकट आ सकते हैं। तो उन चीजों को दूर करने के लिए कुछ साधारण से उपाय होते हैं, आप उन साधारण से उपायों को कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करें, अपने जो छोटे घर में बच्चे होते हैं उनके लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आए। दिन खुद तय कर सकते हैं जब आपको प्रेम विवाह करना है। वैसे तो सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। यदि सोमवार के दिन उत्तम होने पर भी अगर आप पर संभव नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप मंगलवार या फिर शुक्रवार का दिन चॉइस कर सकते हैं। इन दोनों दिन पर आप बच्चों को कोई ना कोई उपहार दीजिए, स्टेशनरी से रिलेटेड दीजिए या फिर मिठाई से रिलेटेड दीजिए, वो आपके ऊपर है। जितने ही आपकी गुंजाइश हो उतना ही खर्च करें, ज़्यादा की चाह मत रखें कि बड़ा तोहफा होना चाहिए या फिर हम उसके लिए कुछ और भी ला सकते थे। छोटे से तोहफे से ही आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां टल सकती हैं। तो इन उपायों को अपनाकर अपने प्रेम विवाह को सफल कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।